तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, आपने जो स्टार्ट में जो वीडियो देखा और अभी जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, इस तरह की HDR वीडियो कैसे क्रिएट करेंगे, जो कि आजकल PSL स्टार्ट हो चुका है और आप भी कुछ इस टाइप से वीडियो को एडिट कर सकते हो और अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो, जो कि आजकल टिकटॉक के ऊपर बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। और गाइस, इस तरह की कैपकट ऐप के ऊपर एडिट करने वाले हैं। और हाँ गाइस, अगर आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आपने सबसे पहले प्ले स्टोर से इजीली कैपकट ऐप को डाउनलोड करने है। अगर फिर भी आपके पास नहीं आ रहा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो ऊपर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर कोई भी एक क्रिकेट वाली वीडियो को सेलेक्ट करना है। तो चले गए, हमारे साथ वीडियो सेलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर इस वीडियो को हम यहाँ पर प्ले करते हैं। तो गैज़, आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल वीडियो, इसमें कोई HDR इफेक्ट ऐड नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कैपकट का वाटरमार्क है, इसको आपने यहाँ पर डिलीट करना है और फिर से आपने स्टार्ट में आना है। ठीक है, स्टार्ट में आने के बाद यहाँ पर आपने बस जो काम है वो क्या करना है, यहाँ पर आपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो नीचे ऑप्शन है इसको आपने स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एडजस्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। एडजस्ट पर क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन को भी आपने स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो ग्राफ्स का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपके साथ कुछ इस तरीके से एंटर पेज आएगा। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर पर कलर है वाइट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये जो नीचे लाइन इसको आपने ऊपर लेके आना है, ये जो लेफ्ट वाला लाइन इसको आपने नीचे लेके आना है। रेड वाले पर क्लिक करना है, इसको भी आपने इसी तरीके से ऊपर लेके आना है और ये जो लेफ्ट वाला इसको आपने नीचे तक एडजस्ट करना है। तो सेम तरीके से इस प्रोसेस को आपने इसको एडजस्ट करना है। लास्ट में ब्लू आपने इस पर क्लिक करना है, इसको भी आपने ऊपर और ये जो लेफ्ट वाला इसको आपने नीचे तक एडजस्ट करना है और नीचे टिक का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। तो गाइस, यहाँ पर आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो इसके बाद आपने नीचे इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। वीडियो इफेक्ट पर आपने क्लिक करना है और ऊपर आपने बेसिक में जाने, ठीक है। और यहाँ पर जो फोर नंबर पर ब्लर का ऑप्शन है, ब्लर का इफेक्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ऊपर टिक पर आपने क्लिक करना है और इस इफेक्ट को आपने वीडियो के एंड तक सही तरीके से एडजस्ट करना है। तो गाइस, यहाँ पर बारी आता है आपने इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो ये जो ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है और ये जो फुल HD का ऑप्शन है इसको आपने 2K करना है और ये जो नीचे लाइन है इसको भी आपने एंड तक एडजस्ट करना है और इसको आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है। तो गाइस, ये जैसे एक्सपोर्ट होगी तो मैं नेक्स्ट मेथड आपको बताऊंगा। तो चले गाइस, हमारे साथ एडजस्ट हो गया है। तो यहाँ से आपने बैक आना है और यहाँ पर आपने फिर से वीडियो वाले ऑप्शन पर आना है और नीचे जो ब्लर इफेक्ट आपने प्ले किया इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको आपने यहाँ पर डिलीट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और फिर से आपने एडजस्ट में जाना है और फिर से आपने ग्राफ्स में जाना है और यहाँ पर ऊपर आपको राइट साइड में ऊपर रिसेट का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। ऊपर आपने ओके पर क्लिक करना है और नीचे आपने टिक पर क्लिक करना है। तो गाइस, जैसे क्या होगा, आपकी वीडियो पर जो ये इफेक्ट अप्लाई वो रिमूव हो जाएगा, तो फिर से आपकी वीडियो सिंपल बन जाएगी। तो उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे जो ओवरले का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है, एड ओवरले पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो अभी वीडियो एक्सपोर्ट किया उसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपने इस वीडियो को कुछ इस तरीके से अपने दोनों फिंगर की मदद से इसी तरीके से जूम आउट करना है स्क्रीन के बराबर और यहाँ पर आपने इस वीडियो के ऊपर रखना है। नीचे जो ब्लेंड का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है और इस इफेक्ट को आपने यहाँ पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको थर्ड लास्ट बर्न का इफेक्ट है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन है इसको आपने यहाँ पर 60% तक यूज़ करना है। आप अपनी वीडियो के हिसाब से इसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। और नीचे आपने टिक पर क्लिक करना है। तो गैस, आपकी वीडियो पर थोड़ा थोड़ा ब्लैक इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, तो इसको इसके ऊपर आपने HDR इफेक्ट कैसे ऐड करना है। तो आपने फिर से ओवरले में जाने, एड ओवरले में जाने, ऊपर आपको स्टॉक वीडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर थर्ड नंबर पर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आपने इस पर क्लिक करना है, इसको आपने यहाँ पर ऐड करना है और ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है इसको आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से जूम आउट करना है स्क्रीन के बराबर और गैस इस इफेक्ट को आपने वीडियो के एंड तक एडजस्ट करना है पूरी वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद आपने फिर से ब्लेंडर में आ जाना है और यहाँ पर आपको ओवरले का इफेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो गैस, आप देख सकते हैं हमारी जो वीडियो 90% तक कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से हमारी वीडियो में HDR इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पर आपको जो ऊपर जो फर्स्ट नंबर वीडियो इसके ऊपर आपने फिर से क्लिक करना है और फिर से आपने एडजस्ट वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर एडजस्ट में जाने के बाद इसको आपने स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर HSL का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ऊपर आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा होगा, आपने ग्रीन कलर के ऊपर क्लिक करना है। ये जो नीचे लाइन है इसको भी आपने
तीनों लाइन को आपने यहाँ पर 100 तक एडजस्ट करना है, सेचुरेशन को भी और नीचे HUE का और ये जो नीचे लाइन इसको भी आपने 100 तक एडजस्ट करना है। और गैस यहाँ से आपने बैक आने और यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद शार्पन का इफेक्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको आपने यहाँ पर 100% तक यूज़ करना है। तो गैस यहाँ पर फाइनली हमारे वीडियो जो कंप्लीट हो गए, तो आप वीडियो को देख सकते कितने अमेजिंग क्वालिटी के साथ हमारे वीडियो तैयार हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। तो आप खुद भी वीडियो को बिफोर आफ्टर खुद भी देख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर प्ले करते हैं। तो गैस यहाँ पर एक बात और है, आप इस वीडियो को जैसे एक्सपोर्ट करेंगे इसका जो क्वालिटी वो थोड़ा और बेस्ट हो जाएगी। तो गैज़ यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं। तो गैज़ आपने बिल्कुल इजी तरीके के साथ मैंने आज आपको बताया। तो गैज़ अगर वीडियो आपको समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ गैज़, अगर आप भी कुछ इस टाइप से बीट वाली वीडियो को क्रिएट करना चाहते जो मैंने क्रिएट किया है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो गैज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टेक केयर, बाय।